लड़कियों को ना जिंदगी में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। और जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही मैं इसको कहूँगी, इस तरह की एक्टिविटीज़ ना बहुत होती है उनके साथ। लेकिन ये चीज़ अब ऑनलाइन भी उतनी ही होती है, यानी कि अगर लड़की अपने घर भी बैठी है, अपना फ़ोन भी शांति से चला रही है, तो उसमें भी उन लोगों को दिक्कत है, उन लड़कियों को परेशान किया जाता है। ये वीडियो खास इसी टॉपिक पर आज है। नमस्कार, मैं हूँ किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ राजस्थान। डिजिटल मीडिया जितना बढ़ा ना, जितनी उसकी एडवांटेजेस आई उतनी उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आई। अब इस डिसएडवांटेज में आप सोशल मीडिया को गलत नहीं ठहरा सकते, उस लड़की को गलत नहीं ठहरा सकते जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, जो सोशली थोड़ी एक्टिव हैं, लोगों के बीच घुल मिलकर रहती हैं। और बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियाँ एक्सट्रोवर्ट नज़र आती हैं, जिसमें नज़र आता है कि लड़कियाँ लोगों के बीच ही अक्सर रहती हैं। अब मैं मीडिया प्रोफेशन की भी अगर बात करूँ, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी मैं बात करूँ, और बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें अक्सर लड़कियां लोगों के बीच ही रहती हैं, तो उसमें लोगों को जो मिसकंसेप्शन हो जाता है ना, जो लोगों को लगने लगता है कि जो लड़कियां सोशली एक्टिव हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बात करने में अच्छी हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि वो लड़की इजी टू एक्सेस है, जो कि बहुत गलत सोच है। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेकर यहाँ चलूँ तो मेरे नंबर फ़िलहाल बहुत इजी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठा के मुझे या किसी भी लड़की को जिसका नंबर इजीली अवेलेबल है उसको आप कॉल कर सकते हैं। एक नंबर है जो मैं स्क्रीन पर बाकायदा आपको दिखा रही हूँ, उस नंबर से मुझे लगभग 1.5-2 महीने से कॉल आता है रोज़ रात को 8 से 9:30 बजे फिक्स है। और मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे इस तरह से सुनाई देती है कि वो शराब के नशे में मुझे फ़ोन करता है। ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि मुझे फ़ोन आया है, मैंने उसके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया है, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि हर वो लड़की जिसे लगता है कि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उसके साथ अगर कोई किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई है, कोई भी अगर उसे परेशान करने की कोशिश करता है मेंटली फिजिकली और वो अकेली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मदद मिलेगी जब आप मांगेंगे। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि अगर मुझे सिंपली अगर कोई इंसान कॉल भी कर रहा है तो मैंने क्या एक्शन लिया है, और इसी तरह से अगर आपके साथ भी कोई भी मिसबिहेव हुआ है तो आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। इस नंबर को जो मैंने आपको बताया, इस नंबर से मुझे हर ऑल्टरनेट डेट 1.5-2 महीने से फ़ोन आता था। राजेश राजपूत बाकायदा वो लड़का अपना नाम बताता है, वो कहता है मैं उदयपुर से ही बात कर रहा हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि काम क्या है, तो उसका ये कहना होता है कि पत्रकारिता से रिलेटेड उसे बात करनी है। अक्सर मैंने उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की थी कि मुझे फ़ोन अगर करना ही है, पत्रकारिता से रिलेटेड बात करनी ही है, तो ऑफ़िस आज में फ़ोन कीजिए, अगर कोई वैलिड रीज़न है तो ऑफ़िस के नंबर पे कॉल कीजिए। लेकिन उस इंसान के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था मुझे फ़ोन करने का, उसके पास सिर्फ एक ही भावना थी मुझे परेशान करने की। तो अभी मैंने क्या किया है ना कि पुलिस कंप्लेन उस नंबर के खिलाफ कर दी है, उस राजेश राजपूत जो अपना नाम बताता है उसके खिलाफ मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। उदयपुर की पुलिस बहुत आप लोगों का साथ देगी, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आपको आगे आना है। अपनी मैं ये लड़कियों से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि जिस समय आप रुक जाते हैं ना, आप उसकी उस बात पर एक्शन नहीं लेते, तो सामने वाले का मनोबल और बढ़ता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं और भी लड़कियों के साथ कर सकता हूँ। तो शायद आप वो लड़की हो सकती है जिनके साथ वो हुआ हो, अगर आप चुप बैठेंगे तो वो अगली के साथ करेगा, वो तीसरे के साथ करेगा, वो चौथे के साथ करेगा, लेकिन शायद आप वो चेन ब्रेक कर सकते हो। मैंने पुलिस कंप्लेन करी है, FIR बकायदा रजिस्टर हुई है, उसका नंबर ट्रैक किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, और हो सकेगा तो जब वो पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया जाएगा ना, तो मैं वो चीज़ भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अक्सर मैंने देखा है कि जब लड़कियां सोशल मीडिया यूज़ करती हैं तो उनको बहुत ही बेकार तरीके के, पता नहीं किस मेंटल स्टेट के साथ लड़के उन लोगों को मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, रास्ते में चलती है तो परेशान करते हैं। इसमें चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। आप मैंने सूरजपुर थाने में FIR लिखाई है, आप भी बिल्कुल जाइए FIR लिखाइए। और कुछ लड़कियां होती हैं जो जिनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, वो उनका मानना होता है कि बदनामी फैलेगी। आपकी लड़की ने कुछ गलत नहीं किया है, गलत करने वाला सामने वाला है,
तो बदनामी आपकी कहीं से भी नहीं हो रही है। और ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है कि आप उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप उसको चुपचाप सह लेते हैं तो वो अगले के साथ करता है। लेकिन प्लीज़, अगर इससे पहले या अभी भी आपके साथ कोई भी तरह की ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे आप फिज़िकली हार्म होती है, जिससे आप मेंटली हार्म होती है, तो प्लीज़ उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। और अगर आपको लगता है ना कि आप अकेली हैं या आपको लगता है कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, तो नो वरीज, आप लोग सीबीसी न्यूज़ राजस्थान पे कभी भी कांटेक्ट कीजिए। आप पर्सनली मुझे भी कांटेक्ट करेंगी तो मैं 24/7 किसी भी समय आपको इस सिचुएशन में मना नहीं करूँगी। FIR रजिस्टर हो चुकी है बकायदा, सूरजपुर थाने से मुझे 2 बार फ़ोन आ चुका है कि उस लड़के का नंबर और ट्रैक किया जा रहा है, उस लड़के का एड्रेस वगैरह निकाला जाएगा। मैं बकायदा उससे मिलने जाऊँगी कि उसके फ़ोन करने का रीज़न क्या था। उसने ऑफिस में भी 2-4 बार फ़ोन करने की कोशिश की कि उसको किंजल से काम है तो उसने फ़ोन किया है, तो हमारे ऑफिस से भी उसको डांट दिया गया। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है और ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आपको आवाज़ उठानी है, आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना है, आपको चुप नहीं रहना है। क्योंकि आपके चुप रहने से शायद सामने वाले को लगता है कि आप सच में इजी टू एक्सेस हैं और आप किसी भी हद तक किसी भी स्टेट पर इजी टू एक्सेस नहीं है। प्लीज़ एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सीबीसी न्यूज़ राजस्थान को आप कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को ये बात नहीं बतानी, आपको सीक्रेसी के साथ ये रखना है, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कीजिए। लेकिन किसी भी इस तरह की हरकत पर चुप मत रहिए।